एक तरफ मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन का अवार्ड मिला है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई गांवों से स्वच्छता नदारद है। ग्रामीण इलाकों के हालात ये है कि सड़कों पर नाली का गंदा पानी बह रहा है और सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा है। ताज़ा मामला विदिशा जिले के लटेरी तहसील के ग्राम नेनबासकला से सामने आया है, जहां ग्रामीण जनता से सफाई के नाम पर टैक्स वसूला जा रहा है, लेकिन स्वच्छता गांव से नदारद है। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, देख सकते हैं किस प्रकार से गांव की सड़कों पर ये गंदगी का अंबार और सड़कों पर कीचड़, लोग कैसे गुजर बसर कर सकते हैं ये आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और आलम यह है कि गांव की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गांव में स्वच्छ व्यवस्था जो है चरमराई हुई है। वहीं ग्राम पंचायत नैनबास कला के ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर नालियों का गंदा पानी सार्वजनिक रोड पर बहता रहता है, जिससे कि गंभीर बीमारियों के पैदा होने का डर लगातार बना रहता है। साथ ही सुबह से लेकर शाम तक गंदे पानी में लोगों को आना जाना पड़ता है। लोग मंदिर के लिए भी निकलते हैं, बच्चे स्कूल के लिए निकलते हैं, लेकिन इसी एक रास्ते से इन गंदगी के बीच बच्चों को भी निकलना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा है कि सरपंच सचिव से कई दफा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कीचड़ भरे रास्ते से ग्रामीणों को रोज अपने काम के लिए निकलना पड़ता है, बच्चे भी इसी रोड से स्कूल जाते हैं। क्या नाम है दद्दू तुम्हारा? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता, कौन सी ग्राम पंचायत है? नेनबासकला। यहाँ ये मंदिर के पास में ही गंदगी फैली हुई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही सोचना है, कल सफाई हो जाए तो अच्छी बात है। तो सरपंच सचिव को बोला था? सरपंच सचिव देख तो रहे हैं, कोई नहीं कर पा रहा। अच्छा, आपसे टैक्स वसूला जा रहा है इस मतलब स्वच्छता को लेकर, इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन सी ग्राम पंचायत है? नैनवास कला। नैनवास कला पंचायत है। तो इसमें नाली की साफ सफाई होती है या नहीं होती? कहीं नहीं हुई साहब, 10-12 साल से देख रहे हैं ऐसी गंदगी मच रही है। यहाँ पे सचिव कौन है? महाराज सिंह। महाराज सिंह? हाँ। तो सचिव है कि रोजगार सहायक है? महाराज सिंह रोजगार सहायक है। मेरे साहब सचिव कौन है? सचिव कहीं और, कहीं खेल रहे बाहरी बाहर से ही आते हैं। सरपंच साहब से नहीं कही कि साहब ये नालियां क्यों नहीं होगा बात? अब सरपंच साहब नहीं दिखा रहे साहब। तो ये ताज़ा मामला लटेरी के ग्राम पंचायत नैनवास कलासू सामने आया है, जहां पर कुल मिलाकर स्वच्छ सफाई चरमराई हुई है, सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, लेकिन अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सड़कों पर कीचड़ और ये गंदा पानी गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहा है। तो ये खबर लटेरी से, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में गंदगी पसरी हुई है, लेकिन सरपंच और सचिव इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि ग्रामीण जनता से टैक्स जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जनता से टैक्स वसूला जा रहा है तो सुविधाएं क्यों नहीं, स्वच्छता क्यों नहीं, ये बड़ा सवाल है। और एक तरफ मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन का अवार्ड मिला है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां पर स्वच्छता बिल्कुल नदारद है। ग्रामीण इलाकों के हालात यह है कि सड़कों पर नाली का गंदा पानी बह रहा है और सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और ये जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सड़कों पर किस प्रकार से कीचड़ पसरी हुई है, गंदा पानी बह रहा है, लोग इसी रास्ते से आने जाने को मजबूर है, स्कूली बच्चे भी यहीं से निकलते हैं, मंदिर जाने का रास्ता भी यही है। और ताज़ा मामला विदिशा जिले के लटेरी तहसील के ग्राम नैनबास कला से सामने आया है, जहां ग्रामीण जनता से सफाई के नाम पर टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन स्वच्छता गांव से नदारद है। आलम यह है कि गांव की सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा है। कुल मिलाकर गांव में स्वच्छता व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं ग्राम पंचायत नैनबास कला के ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर नालियों का गंदा पानी सार्वजनिक रोड पर बहता रहता है, जिससे कि गंभीर बीमारियों के पैदा होने का डर लगातार बना रहता है। साथ ही सुबह शाम गंदे पानी में से ही लोगों को आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, मंदिर के लिए भी लोग यहीं से निकलते हैं, स्कूली बच्चे भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं।
और ग्रामीणों ने कहा कि और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए भगवान सिंह गुर्जर उप सरपंच हमारे साथ में जुड़ गए हैं। उप सरपंच जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं एमकेएन न्यूज़ चैनल पर, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहता हूं कि जब जनता से स्वच्छता के नाम पर टैक्स की वसूली की जा रही है तो सुविधा क्यों नहीं? हेलो जी सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी आपकी आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही। जी सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं अब? जी हाँ, आप सुन पा रहे हैं। भगवान सिंह गुर्जर जी, आपका बहुत स्वागत है एमके न्यूज चैनल पर, लेकिन सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जब जनता से सफाई व्यवस्था के नाम पर टैक्स की वसूली की जा रही है तो जनता को स्वच्छता की सुविधा क्यों नहीं दी जा रही है? हमने तस्वीरें देखी किस प्रकार से गाँव की सड़कों पर पानी बह रहा है, कीचड़ मची हुई है, लेकिन लोगों को सुविधा कब मिलेगी? टैक्स वसूला जा रहा है तो सुविधा क्यों नहीं? जी मैं अभी पंचायत में था नहीं, मुझे दो दिन का समय दो, मैं पूरा नाले लेके आपको बताऊंगा। लेकिन सर सवाल ये है कि जब जनता से टैक्स की वसूली की जा रही है तो स्वच्छता के नाम पर उनको सुविधा तो देना चाहिए। सचिव ने इनके नाम पर टैक्स की वसूली की है, कितना सही है ये? जी जी वो तो मैं आपकी मान रहा हूँ, मुझे दो दिन का समय दीजिएगा, मैं पूरी जानकारी लेके आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल सर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो लटेरी की ये सड़कें आपने देखी, ग्राम पंचायत नैनवास कला की ये सड़कें हैं, ये गंदगी का अंबार। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रामीण जनता किस परेशानियों से गुजर रही है। और ये तस्वीर देखिए, रसीद देखिए, लटेरी जिला विदिशा और ग्राम पंचायत नैनवास कला, जहाँ पर बाकायदा सचिव ने रसीद देकर लोगों से टैक्स वसूला, लेकिन सुविधा और व्यवस्था क्या, बिल्कुल आपकी तस्वीरों पर है। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोगों से टैक्स की वसूली की जाती है तो सुविधा के नाम पर जीरो। तो बता दें कि एक तरफ मध्य प्रदेश को स्वच्छता में नंबर वन का अवार्ड मिला है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों से स्वच्छता नदारद है। ग्रामीण इलाकों के हालात ये है कि सड़कों पर नाली का गंदा पानी बह रहा है और सड़क के किनारे गंदगी का अंबार लगा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ है ग्राम पंचायत नैनवास कला रिपोर्टर शफीक खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। शफीक जी, ये बताइए कि ग्रामवासियों से रसीद के माध्यम से टैक्स की वसूली की गई है, और लेकिन हम तस्वीरों को देख पा रहे हैं कि ग्रामीण से जो गांव है नैनवास कला, वहां से स्वच्छता बिल्कुल नदारद है, सड़कों पर कीचड़ लगी हुई है, गंदा पानी बह रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसके सर पंचायत सचिव और जो पंचायत जनपद पंचायत के मुखिया है सीए जी। जी लोगों से टैक्स वसूलना कितना सही है ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है, ग्राम पंचायत को सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन लोगों से टैक्स वसूला गया और टैक्स वसूलने के बाद सफाई व्यवस्था बिल्कुल नदारद दिखी। जी सर, लोगों से एक साल पहले की रसीदें लोग बता रहे हैं कि हमसे टैक्स वसूला है। जी पंचायत सचिव द्वारा रसीद काटी गई। जी तो कितने कितने पैसे ग्राम पंचायत के जो निवासी हैं उनसे लिए गए हैं और क्या कह के लिए गए हैं? हालांकि ऐसा होता नहीं है कि ग्रामीण इलाकों में टैक्स की वसूली हो स्वच्छता के नाम पर, क्योंकि ये जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है। सर इसमें कई लोगों से इन लोगों ने रसीद के नाम पर टैक्स वसूली की गई है। जी कितने कितने रुपए? इसमें किसी से 300 रुपये लिए गए, किसी से 500, किसी से 700 रुपये लिए गए, स्वच्छता के नाम पर कर की वसूली की गई है। लेकिन 500, 300 ये कहाँ का टैक्स है, इतना टैक्स कौन लेता है? नहीं सर, वो तो उन लोगों ने उन्हें रसीद फाड़ फाड़ के दे दी। जी और लोगों ने पैसे दिए, लेकिन अब उन ग्रामीण लोगों का क्या कहना है? ग्रामीण लोगों का ये कहना है, जंग सिंह जी बाइट पर बात कर रहे हैं कि नैनवास कला में कभी सफाई नहीं की गई है। जी बिल्कुल इसी तरीके से संतोष गुप्ता जी हैं, इन
का भी यही बोलना है कि यहाँ पर कभी पंचायत द्वारा कोई साफ सफाई नहीं कराई जाती है और टैक्स वसूला जाता है। टैक्स वसूला जाता है सर। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शफीक जी आपका बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि ग्राम पंचायत नैनबास कला में टैक्स लोगों से बाकायदा वसूला जा रहा है, पैसे वसूले जा रहे हैं, किसी से 300 रुपये, किसी से 500 रुपये, लेकिन स्वच्छता के नाम पर ये पैसे की वसूली आखिर क्यों की जा रही है? लेकिन स्वच्छता तो बिल्कुल नदारद है, ये बड़ा मामला है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोगों को सुविधा कब मिलेगी,